आई नो आई नो आई नो। नमस्ते आदाब, वेलकम बैक। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसे क्या हुआ है, वीडियो की स्टार्टिंग में ये ऐसे ऐसे झूम क्यों रही है, इसलिए क्योंकि एक ऐसी पोएट्री पढ़ी है ना जिसे दिल में वो छोटी छोटी धीमी धीमी मीठी मीठी वाली गुदगुदी सी हो रही है। यस, इट्स सच सच अ रोमांटिक पोएट्री। इट इज़ सो स्वीट, सो फुल ऑफ लव। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। इब्ने इंशा। वीडियो के एंड में पोइट्री के बाद जरूर रुकिएगा, क्योंकि हम इब्ने इंशा को थोड़े और करीब से जानेंगे। एक दो ऐसी बातें उनके बारे में बताएंगे जो शायद बहुत रेयर है आपने पहले कहीं पढ़ी ना हो। स्टे ट्यून्ड, और अब आप भी झूमने के लिए तैयार हो जाइए। फ़र्ज़ करो हम अहले वफा हो, फ़र्ज़ करो दीवाने हों, फ़र्ज़ करो ये दोनों बातें झूठी हों, अफसाने हों, फ़र्ज़ करो ये ची की पिपता चीसे जोड़ सुनाई हो, फ़र्ज़ करो अभी और हो इतनी आधी हमने सुनाई हो, फ़र्ज़ करो तुम्हें खुश करने के ढूंढे हमने बहाने हों, फ़र्ज़ करो ये नैन तुम्हारे सचमुच के मैखाने हों, फ़र्ज़ करो ये रोग हो झूठा झूठी पीत हमारी हो, फ़र्ज़ करो इस पीत के रोग में सांस भी हम पर भारी हो, फ़र्ज़ करो ये जोग बेजोग का हमने ठोंग रचाया हो, फर्ज करो बस यही हकीकत बाकी सब कुछ माया हो, देख मेरी जा कह गए बाहू कौन दिलों की जाने हूं, बस्ती बस्ती सहरा सहरा लाखों करे दीवाने हूं, जोगी भी जो नगर नगर में मारे मारे फिरते हैं, कासा लिए भभूत रमाए सबके द्वारे फिरते हैं, शायर भी जो मीठी बानी बोल के मन को हरते हैं, बंजारे जो ऊंचे दामों जी के सौदे करते हैं, इनमें सच्चे मोती भी हैं, इनमें कंकर पत्थर भी, इनमें उथले पानी भी हैं, इनमें गहरे सागर भी, गोरी देख के आगे बढ़ना सबका झूठा सच्चा हूँ, डूबने वाली डूब गई वो घड़ा था जिसका कच्चा हूं। सो वेल, दिस पोइट्री बाय इब्ने इंशा इज नॉट जस्ट रोमांटिक, इट इज ऑल्सो अ सटायर। इब्ने इंशा के काम की यही खासियत थी, वो यूं तो ह्यूमर रोमांस इन सब के लिए जाने जाते हैं, मगर उनकी रेजर शार्प सटायरिकल पोइट्री बिल्कुल सीने के आर पार होती है। तो ये रहे उनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सबसे पहला, जिसकी शुरुआत हमने ऑलरेडी कर दी, कि वो यूं तो रेजा शार्प पोइट्री लिखते थे, पर उनका ह्यूमर औरों से बिल्कुल अलग था। खुमारे गंदुम और उर्दू की आखिरी किताब, ये जो दो किताबें हैं ये उन्होंने लिखी हैं, और इसमें उनके ह्यूमर का खासा पता चलता है। ये लाइन ज़रूर सुनिए, हक अच्छा पर उसके लिए कोई और मरे तो और अच्छा, तुम भी कोई मंसूर हो जो सूली पर चढ़ो खामोश रहो। That's all of satire. Fact number two. बहुत कम लोगों को ये पता है कि उन्होंने खासा समय यूनाइटेड नेशंस के साथ सर्व किया, जिसकी वजह से उनके जो ट्रैवलॉग्स पब्लिश हुए उसमें उनकी झलक मिलती है। और जाते जाते एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो उनके बारे में पता चली, एक गजल है जो लिखी उन्होंने है, गाई जगजीत साहब ने है, वो पहुंची हर घर तक है। सुनिए। हम भी वही मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा कि हम हंस दिए, हम चुप रहे,
हम हंस दिए हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा कल चौदहवीं की रात, कल चौदहवीं की रात। So this is it about Ibn Insha and his amazing work, Farz Karo. अगर आपको इस चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट जब भी हम अपना नया वीडियो लेकर के आए आप तक सबसे पहले बात पहुँचे। साथ ही में प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। सी यू, टाटा।